केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली सड़कों से उतरेगी आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री की रिहाइश से घिरा दी करेगी कोशिश। दिल्ली ते पंजाब की लीडरशिप प्रदर्शन च होगी शामिल। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल लई शुरू की कैंपेन। आप लीडर्स ने सोशल मीडिया से बदलियां प्रोफाइल पिक्चर्स। डीपी ते लाई केजरीवाल की सलाखा वाली तस्वीर। लिखिया मोदी का सब तो वड्डा डर केजरीवाल। कंगना रनौत ते कांग्रेस आगू सुप्रिया श्रुनेत दी विवादित पोस्ट सोशल मीडिया ते अपलोड की थी। कंगना दी बोल्ड पिक्चर। लिखिया की पार चल रहा है मंडी च कोई दसेगा ता कंगना बोली हर महिला अपने सम्मान दी हकदार। सुप्रिया श्रुनेत ने विवाद वधन ते हटाई पोस्ट ते दित्ती सफाई। कहा मेरा मेटा अकाउंट एक्सेस करन वाले शख्स ने अपलोड की थी पोस्ट। मैं कदे भी किसी महिला बारे अजिहा नहीं बोल सकती। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की छेवीं लिस्ट पांच होर उम्मीदवार का ऐलान। राजस्थान के चार उम्मीदवार ऐलाने। कोटा तो प्रहलाद गुंजल दी टिकट। कुछ दिन पहला ही बीजेपी छड़ के कांग्रेस हुई थी शामिल। होली मौके हरियाणा के सबका सीएम मनोहर लाल ने अनिल विज नाल की मुलाकात। बोले पार्टी कोई भी किसी तो नाराज नहीं। कई बार विज साहब जल्द हो जाते हैं नाराज पर छेती मन भी जाते। मुकेरिया टिप्पर ने बाइक सवार दड़िया हादसे। छह साल बच्ची समेत मां की मौत। बाइक चला रहा शख्स गंभीर जख्मी। गुरुद्वारे तो मत्था टेक के वापस परत रहा सी परिवार। आईपीएल 2024 दे दूजे फेज का स्केड्यूल जारी। 26 मई नू चेन्नई च खेडिया जाएगा फाइनल। मुलापुर स्टेडियम नू 4-4 मैच मिले। पहला लोकसभा चोणा कारण सिर्फ 21 मैचों का ही स्केड्यूल किया गया सी जारी। खालसे दी धरती आनंदपुर साहब से होला मोहल्ले का अज आखिरी दिन। निहंग सिंघां वल्लों सजाया जाएगा महला। वड्डी गिनती च नतमस्तक हो रही संगत। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब। हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर के नाल। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दिल्ली च आम आदमी पार्टी के वल्लों वड्डा प्रदर्शन किया जाना है। 21 मार्च को ईडी के वल्लों गिरफ्तारी की गई थी। इस तो बाद जो पार्टी के वल्लों लीडर्स के वल्लों आगुआ के वल्लों वर्कर्स के वल्लों वक्-वक् थावां ते प्रदर्शन रोस लगातार जारी है। अज पीएम रिहायश का किरा करन दा प्लान आम आदमी पार्टी दे वल्लों उलीकिया गया है। इस दे विचाले तमाम लीडर्स उत्थे मौजूद होंगे। जो पंजाब इकाई दे लीडर्स ने आगू ने ओ भी दिल्ली वल पहुंच करनगे ते पीएम रिहायश का किरा करन दा प्लान बनाया गया है। आम आदमी पार्टी दे प्रदर्शन नूं लैके दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी वधा दित्ती है। दस के दिल्ली ते पंजाब लीडरशिप प्रदर्शन शामिल होणगे ते दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस च ईडी दी रिमांड ते ने अरविंद केजरीवाल ईडी दे वल्लों 21 मार्च नूं गिरफ्तार किया गया सीगा ते 28 मार्च तक दा ईडी दा रिमांड अरविंद केजरीवाल का ईडी नूं मिलिया होया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए कोई भी इजाजत नहीं दी गई है। इस तो पहला दिया तस्वीर सामने आई थी। 21 मार्च तो बाद लगातार आम आदमी पार्टी के वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे नाल मेरे सहयोगी रवि मिश्रा फोन लाइन से मौजूद ने। रवि, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पीएम रिहायश का घेराव करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई है। क्या कुछ सिनेरियो बन सकता है आज? जी बिल्कुल, देखिए इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं दिल्ली पुलिस शासन प्रशासन द्वारा। पूरे आम आदमी पार्टी के ऑफिस के आसपास के तमाम जो आसपास के इलाके हैं पूरे इलाके को एक छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दूं कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी मगर इसकी इजाजत नहीं मिली है। आपको बता दूं कि पीएम जो आवास है वो तकरीबन होगा 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मगर वहां तक पहुंचना एक असंभव बात नजर आ रही है क्योंकि सुरक्षा इतनी पुख्ता है और इतने जवान सीआरपीएफ के बीएसएफ के दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं कि जो संभावनाएं जो दिख रही हैं वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के तकरीबन 100 से 200 मीटर दूरी के बाहर शायद ही जाना संभव होगा। और जगह जगह नाकाबंदी की गई है। जो भी दूर दराज से कार्यकर्ता समर्थक पहुंच रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर तक ही सीमित रह पाएगा क्योंकि भले ही उन्होंने कॉल पीएम हाउस के घेराव करने की है मगर ये एक असंभव कार्य है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है वो काफी पुख्ता है और जिस तरीके से सिनेरियो नजर आ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है उसके आसपास ही ये प्रदर्शन सिमट के रह जाएगा। मगर इस प्रदर्शन में तमाम बड़े नेता
और कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब से भी बात करें तो पंजाब से भी कई मिनिस्टर यहां पर पहुंच रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जी रवि, कितने बजे का टाइम दिया, कितने बजे की कॉल दी गई है कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से, आगुओं की तरफ से ये कूच किया जाएगा, टाइमिंग क्या है? जी देखिए, साफ तौर पर इस प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है 10 बजे की, मगर जैसे जैसे भीड़ और समर्थक जुटेंगे उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट शुरू होगा, क्योंकि जगह जगह जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपने घर से निकल रहे हैं, उनको डिटेन कर लिया जा रहा है या उन्हें अपने घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है सुरक्षा कारणों की वजह से। प्रोटेस्ट कॉल 10 बजे है, मगर इसको शुरुआत होते होते 11:15 तक का समय लगता है हो जाएगा। और देखना यह भी होगा कि कितने संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ जुटते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी एक बड़ी प्रोटेस्ट की कॉल आगामी 31 मार्च को गोपाल राय ने की है, जो कि रामलीला ग्राउंड में होना संभव है। देखना ये होगा कि किस तरीके से जन समर्थन आम आदमी पार्टी जुटा पाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें तमाम जानकारी देने लिए। 10 बजे का प्रदर्शन की कॉल दी गई है आम आदमी पार्टी वर्कर्स दे वलो, आगुआ दे वलो आम आदमी पार्टी दफ्तर दे बाहर इकट्ठा होया जाएगा ते उत्थों कूच किया जाएगा पीएम रिहायश दे वल। पर मेरे जिस तरह के सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम ने, सिक्योरिटी दे पुख्ता इंतजाम ने पूरी ही दिल्ली नू पीएम रिहायश छावनी च तब्दील कर दिया गया है। नाकेबंदी थां थां ते की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स नू डिटेन किया जा रहा है ता जो इस प्रदर्शन रोकया जा सके। 10 बजे की कॉल है, वेखना होगा कि कुछ सनैरियो 10 बजे बने। गिरफ्तारी के विरोध च आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया से कैंपेन शुरू की है। आप आगू सोशल मीडिया अकाउंट से डीपी अपनी थां केजरीवाल की सलाखा वाली फोटो लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी डिस्प्ले पिक्चर चेंज की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध के पहला आप सड़कों से उतरी, पंजाब को लेकर दिल्ली तक खूब घमसान होया, इसका सेक सोशल मीडिया से भी पहुंच चुका है। आपने केजरीवाल के समर्थन च कैंपेन की शुरुआत की है। सोशल मीडिया से प्रोफाइल पिक्चर बदलिया गई ने, डीपी से अपनी थां केजरीवाल की तस्वीर लगाई जा रही है, जिस दे विच केजरीवाल की एक सलाखा वाली तस्वीर नजर आ रही है। इस कैंपेन नू नाम दिता गया मोदी का सब तो वड्डा डर केजरीवाल, जिसनू लैके आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर पहुंचाउण दे लई इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। अरविंद केजरीवाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी के मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। तो उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने समाणा दे विच पीर बाबा गाजी सलार दी दरगाह ते मत्था टेकिया ते केजरीवाल दी जल्द रिहाई दी दुआ कीती। इस दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार ते वरदियां कह के केजरीवाल ते जुल्म कीता जा रहा है। देश दे विच बहुत बुराई है जी, असीं इस बारी होली नहीं मना रहे सी, मैं पूजा अर्चना करना है भई जो बुराई दा अंत होवे और साडे जिहड़े अरविंद केजरीवाल जी आ ओ वाहिगुरू दी कृपा होवे ओ बाहर आण अपणे और लोकां दी सेवा करन जिद्दां पहला करदे। जिक्रयोग है कि 21 मार्च को ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल की रिहाइश से दस्तक दी, लंबे सवाल जवाब हुए सन, जिसके बाद रात करीब 9:15 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया सी। इस गिरफ्तारी को लेकर शुरू होया घमसान हुण सोशल मीडिया से भी पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। चले आप दी डीपी कैंपेन सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए ने, दस के सीएम भगवंत मान ने भी अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है। सीएम मान डिस्प्ले पिक्चर ते केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है। आप पंजाब के कई मंत्रियों ते विधायकों ने भी अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है सोशल मीडिया अकाउंट तो चेंज की है। दस दिए कि ईडी दी रिमांड ते हन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी हुई सी, सज्जे पासे तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं, आही वो तस्वीर है जिस ते लिखा होया कि मोदी दा सब तो वड्डा डर केजरीवाल वाली तस्वीर सारे ही आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के वालों आगुआ के वालों लगाई गई है। सीएम भगवंत मान का सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, जिसे कि सीएम भगवंत मान भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। उधर ही हरियाणा के सबका सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अरविंद केजरीवाल निशाने पर
दिल्ली के सीएम को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया? जैसे कर्म किए हैं वैसा रोक देंगे, क्योंकि वो ही हमेशा कहते रहे हैं, उन्हीं की बातों को फूल चढ़ाए जा रहे हैं कि जो भी कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचारी हो, बल्कि वो तो यहाँ तक नुक्ताचीनी करते थे कि ये एजेंसियां जो हैं ये कुछ करती नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़े अंदर डालती क्यों नहीं है। तो वही चीजें जब उनके सामने आ रही हैं तो वीडियो वायरल हो रहा है पन्नू का कि पैसा दिया गया था खालिस्तानी के 16 मिलियन कोई करोड़ रुपया दिया गया था, तो उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अभी ये मैं सच्चाई की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो मैंने जरूर सुनी है वो, और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों से भी अगर वो पैसा लेकर के और ऐसे घिनौने काम करते हो तो देशद्रोहिता का मामला बनता है। लेकिन अगर ये बात सत्य है तो इसके बारे में तो पन्नू ने बताया उनमें से हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ते कांग्रेस आगू सुप्रिया शर्मा दे विवादित पोस्ट ते शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट ते अपलोड की थी पोस्ट। आज दे की विवादित पोस्ट कंगना रनौत दी बोल्ड तस्वीर अपलोड करके उन्होंने लिखा सीगा कि शर्मा ने की पा चल रहा है मंडी च कोई दसेगा। शर्मा दी पोस्ट बहाने कंगना ने कांग्रेस ते पलटवार कीता ते कंगना ने लिखा कि हर महिला अपने सम्मान दी हकदार है, मैं फिल्मां च हर तरह दी भूमिका निभाई। कंगना दे वालों ट्वीट किया गया तो लिखा है कि मैं पिछले 20 साल तो औरतों को लेकर कई रोल किए ने, क्वीन फिल्म च भोली कुड़ी की भूमिका निभाई, ता फिल्म धाकड़ च महिला जासूस दी, फिल्म रजोज प्रोस्टिट्यूट की भूमिका की, ता फिल्म थलाई च क्रांतिकारी नेता बनी। सानू अपनियां धीआं पक्षपात तो मुक्त करना चाहिए है, सानू उन्हां दे शरीर के अंगा बारे उत्सुकता तो उपर उठना चाहिए है, और सब तो वध सानू सेक्स वर्कर्स नूं जीवन जां हालातां नूं चुनौती देण वाले किसे किस्म दे दुर्व्यवहार जां बदनामी दे रूप विच वर्तन तो परहेज करना चाहिदा है, हर औरत अपने सम्मान दी हकदार है। ट्वीट कीता गया है कंगना रनौत दे। इस विचाले विवादित पोस्ट ते कांग्रेस आगू शर्मा दी सफाई भी सामने आई है। शर्मा ने कहा कि मेरा मेटा अकाउंट तो किसी शख्स ने यह पोस्ट किया है, शख्स को मेरा मेटा अकाउंट का एक्सेस है, पोस्ट करने के अधिकार ने ते किनौनी ते अपमानजनक पोस्ट हटा ली गई है। इस विचार शर्मा ने कहा कि मैं किसी महिला बारे अजिहा नहीं कह सकती, ट्विटर जिस अकाउंट तो पोस्ट किया वो फर्जी अकाउंट। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ, मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ, तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से, वहीं पर ही ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं, न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है, महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए। कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं,
तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है तो लड़की हूं क्या कांग्रेस से बच सकती हूं? क्योंकि कभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के मंत्री कहते हैं बलात्कार होगा, लड़कों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस उसे टिकट देती है। कभी कांग्रेस के नेता पर अंकिता दत्ता आरोप लगाती है, कांग्रेस अंकिता दत्ता को निकाल देती है। और आज सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। अभी कांग्रेस ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया, जो 8 साल की बच्ची कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ था उसके बलात्कारियों के साथ खड़ा था। कांग्रेस ने इससे पहले भी बलात्कारियों का और ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने महिलाओं का विरोध किया है। हिमाचल के साबका सीएम जयराम ठाकुर ने भी इस बाबत ट्वीट किया है, लिखा है कि देवभूमि हिमाचल दी ती कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की एक महिला नेता वालों की गई टिप्पणी बेहद मंदभागी है। कंगना रनौत छोटी काशी कही जान वाली मंडी दी है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री विच हिमाचल अते मंडी का नाम रोशन किया है। उन्होंने खिलाफ अजिहियां टिप्पणियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीतियां जानगियां। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी शहर का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, अते पूरे देश का ही नहीं शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के कौमी बुलारे का यह बयान ही मां शक्ति प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस महिला आगू वालों मंडी की धी नाल कीते इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। मां शक्ति का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। लोकसभा चोणों के विच मंडी और हिमाचल के लोग कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह ट्वीट किया है हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अगे उन्होंने गल करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के साबका सीएम मनोहर लाल ने अनिल विज के नाल मुलाकात की थी। इस विचाले अंबाला च अनिल विज के घर पहुंचे थे, रिहायश से पहुंचे थे। आ मुलाकात हुई है अनिल विज की नाराजगी को लेकर। मनोहर लाल ने कहा है कि कोई किसी तो नाराज नहीं है, विज साहब जल्द नाराज हो जाते हैं पर मन भी जाते हैं। इस दौरान दोवां ने एक दूजे को रंग भी लगाया। दस दिए कि मनोहर लाल भाजपा ने करनाल तो लोकसभा का उम्मीदवार ऐलानिया होया। होली का त्यौहार होता है, उसमें सभी आपस में मिलना जुलना एक भाईचारे का नाते से सब पुराने साथी मिलते हैं। तो आज मैं भी क्योंकि करनाल जा रहा था चंडीगढ़ से, तो उस नाते से अनिल जी संयोग से त्यौहार का दिन अच्छे घर में मिलते ही आज मिले हैं। और एक प्रकार का हमने पुरानी यादें भी अपनी एक प्रकार से साझी की हैं कि लगातार 9.5 साल तक विधानसभा में हम दोनों रहे और मंत्री के नाते आप मुख्यमंत्री के नाते आज हम अपने नई पोजिशन में अपना काम कर रहे हैं। उस नाते से एक अच्छा अनुभव शेयर करने के बाद हमको भी जरा सुकून मिला है कि अच्छी बातें शेयर की हमने। काफी दिन बाद मिले हैं, नाराजगियों की खबरें जो है वो आती रही थी, काफी कुछ नाराजगियां दूर हुई, होली का दिन है, लगातार मिलते रहे हैं। ऐसा कोई मिलना कोई हमला काफी दिन क्या, अभी विधानसभा में मिले थे, बाद में जो घटनाक्रम हुआ तब भी हम मिले हैं, हमारी बातचीत भी हो रही है। वो तो संयोग से आज इधर से निकल रहा था, कोई बड़ा लंबा जो और कोई नाराजगी हमारी कभी भी नहीं रही है सर। एक पुरानी कहावत है, कभी विज साहब ने कभी नाराजगी दिखाई हो या हमने कभी दिखाई हो, हाँ स्वभाव अपना अपना होता है। विज साहब हमारे थोड़ा स्वभाव में कभी कभी कुछ कह देते हैं, बाद में ठीक भी होते हैं। हम भी कभी कभी उसको अपने मन पर लेते नहीं है, जाके बात कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। सर एक पुरानी कहावत है, बुरा ना मानो होली है, और होली तो एक बहाना है और रूठे हुओं को मनाना है। नहीं, हमारा कोई रूठा हुआ मामला नहीं है। आखिर होली एक भाईचारे का त्यौहार है और भाईचारे के त्यौहार पर सब मिलते जुलते हैं।